Hello friends, I am Ravikant. आज हम करने वाले हैं basically foreign exchange arithmetic. ये JAIIB के accounting and finance for bankers के लिए important topic है, as well as CAIIB के BFM के module first के लिए भी काफी important है. Okay. तो आज हम करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक. सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है. फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज, मतलब कि बदलना. जैसे कि हम अगर इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, मतलब कि इंडिया से हम कुछ जाके बाहर बेचते हैं या बाहर से कुछ खरीदते हैं, तो क्या होगा कि उसे हमारी करेंसी अच्छी नहीं लगेगी और उसकी करेंसी मुझे साथ अच्छी ना लगे. तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक बेसिकली करेंसी मान लिया गया है, डॉलर को जो है मेनली मान लिया गया है अभी एट प्रेजेंट टाइम में, जिसके थ्रू मैक्सिमम ट्रेड होते हैं. तो इसलिए हम यहां पे जो मेन फोकस करेंगे वो हमारा डॉलर से ही सेंटर रूप में काम करेगा. जो डॉलर हमारा है अमेरिकन बेस्ड, बेसिकली अमेरिकन डॉलर यूएसडी डॉलर. ओके, तो इसमें जो हम बेसिकली बात करेंगे किस तरह से ये काम करता है. तो सबसे पहले समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज या एक्सचेंज रेट. तो अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट की, एक्सचेंज रेट मैं कितना रुपया दूं कि एक डॉलर मुझे मिल जाए. अगर मैं 10 रुपया दूंगा तो मुझे कोई एक $1 देगा, नहीं देगा, बोलेगा भैया नहीं मिलेगा आपको. तो क्या होना चाहिए कि एक ऐसा प्राइस जिस पे वो मुझे दे दे. तो दैट इज व्हाट द रेट एट विच, रेट एट विच वन करेंसी इज अवेलेबल फॉर अदर करेंसी. रेट एट विच वन करेंसी इज अवेलेबल फॉर अदर करेंसी. मतलब कि एक ऐसा रेट जिस पे दूसरा करेंसी मिलने को तैयार है या मिल जाएगा आपको. तो इससे भी रेट में हम बात करें तो यहां पे दो तरह का रेट होता है. एक होता है डायरेक्ट रेट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेट. पहले लेते हैं डायरेक्ट रेट के बारे में. फर्स्ट की बात करें अगर तो डायरेक्ट रेट, डायरेक्ट रेट बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है फॉरेन करेंसी कांस्टेंट होता है. इसमें क्या होगा, डायरेक्ट रेट में फॉरेन करेंसी कांस्टेंट होगा, मतलब कि फिक्स होगा, और होम करेंसी वैरी करेगा. ओके, एग्जांपल के देते हैं हमें इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस पर्पस. कि जहां पे क्या होता है, हम हमेशा डॉलर को इक्वल टू रुपए में लेते हैं. जैसे $1 इक्वल टू अभी अराउंड 73-72 का प्राइस चल रहा है, तो 73 लेते हैं रुपीज 73. इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट रेट में $1 इक्वल टू 73 रुपीज, मतलब कि $1 में 73 रुपीज मिल रहा है, या फिर 73 रुपया में $1 मिल रहा है. इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज अ डायरेक्ट रेट. इसमें क्या है, फॉरेन करेंसी कांस्टेंट है और होम करेंसी वैरी करता रहेगा. ये हो सकता है कि 72 आ जाए, 72.5 आ जाए, जस्ट लाइक दैट ये बदलता रह सकता है. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं.
अभी बात करें हम इनडायरेक्ट करेंसी की, सॉरी इनडायरेक्ट रेट की। अभी था हमारा ये डायरेक्ट रेट, इसमें बात करते हैं इनडायरेक्ट रेट की। इसमें क्या होगा, होम करेंसी फिक्स होगा। इसमें क्या होगा, होम करेंसी फिक्स होगा या फिर कांस्टेंट होगा। क्या होगा, होम करेंसी फिक्स्ड होगा और फॉरेन करेंसी वेरी करेगा, करेंसी वेरी करेगा। ठीक है, इसमें फॉरेन करेंसी वेरी करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैपनीज येन। इसमें से वन येन इक्वल टू, सॉरी हंड्रेड येन इक्वल टू मान लेते हैं $3। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, न पता है मुझे भी, लेकिन एग्जाम्पल में से बता रहा हूं आपको कि 100 येन इक्वल टू $3, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका क्या हो गई है, इनडायरेक्ट रेट है ये। तो आपके यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपसे, पूछा जाएगा, देकर पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये दिस इज डायरेक्ट रेट कोड और इनडायरेक्ट रेट कोड। ओके, फिर उस तरह की इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि क्या इसमें डायरेक्ट रेट में फॉरेन करेंसी कॉन्स्टेंट होगा या चेंज करेगा। मतलब इस तरह से तीन चार क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाकर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें